एक डाउट सॉल्व करते हैं ये पूछा है बेंजामिन ने ये चेन्नई के रहने वाले हैं क्लास एलेवंथ में पढ़ते हैं टू पार्टिकल्स ऑफ मासज़ वन ग्राम एंड टू ग्राम आर रोटेटिंग इन सच ए वे दैट वन ग्राम इज़ ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है दो पार्टिकल्स हैं एक है वन ग्राम का और एक है टू ग्राम का और ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रहे हैं ताकि जो वन ग्राम वाला पार्टिकल है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है और टू ग्राम वाला जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी एंगुलर वेलोसिटी सिक्स आर से घूम रहा है वो और ए सर्कुलर इन ए सर्कुलर ए सर इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस वन सेंटीमीटर ठीक है तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है ये मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो पार्टिकल है वो वन ग्राम का पार्टिकल है ठीक और जो दूसरा पार्टिकल है टू ग्राम का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे तो वो जो डिस्टेंस होती है वही रेडियस है तो वो रेडियस कितनी दी है मान ली आपको आर आर की वैल्यू दी है वन सेंटीमीटर ठीक ये जो पार्टिकल है ये टू ग्राम का पार्टिकल है और ये क्या कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है जो ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी दी है वो दी है आपको सिक्स आर पी सिक्स रोटेशन पर मिनट ठीक वन ग्राम वाला पार्टिकल एक्सिस पे है टू ग्राम टू ग्राम वाला जो पार्टिकल है वो वन सेंटीमीटर की रेडियस में रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है एक्सिस के अबाउट तो वो दिए सिक्स आर पी एम ठीक है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम सिस्टम की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है कि वन ग्राम वाले पार्टिकल के पास कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्योंकि वो क्या है वो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है उसके पास कोई रोटेशनल वेलोसिटी नहीं है ठीक है वो कहाँ लाई कर, कर रहा है वो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है यानी जो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिर्फ किसकी होगी वो टू ग्राम वाले पार्टिकल की होगी ठीक है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कोई स्पेशल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है सिंपल काइनेटिक एनर्जी और सिंपल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे एम वी स्क्वायर क्लियर मास इसका दिया ही है आपको टू ग्राम इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं ठीक है तो जो वेलोसिटी होगी वी तो वी कैसे फाइंड करेंगे तो वी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपली आर इंटू ओमेगा ठीक है आर कितनी है आर है वन सेंटीमीटर ओमेगा कितनी है सिक्स आर पी एम तो इसको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आर को अगर आप लिखोगे आर को तो वन सेंटीमीटर कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा टेन रेज पावर माइनस टू मीटर ठीक ये ऐसे यूनिट में कन्वर्ट हो गया ओमेगा को भी ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ओमेगा कितना है सिक्स रोटेशन पर मिनट सिक्स रोटेशन पर मिनट तो एक रोटेशन में कितना एंगल घूम जाएगा तो वो होता है टू पाई और पर मिनट दिया पर सेकेंड कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम सिक्सटी से डिवाइड कर देंगे ठीक है क्योंकि पर मिनट मिनट नीचे आएगा और मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो वन मिनट इज इक्वल टू क्या होता है सिक्सटी सेकंड क्लियर ये समझ में आना चाहिए आपको रोटेशन ऊपर है मिनट नीचे है रोटेशन पर मिनट तो मिनट को अगर आप सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो मिनट की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं सिक्सटी सेकेंड और एक रोटेशन की जगह क्या पुट कर सकते हैं टू पाई रेडियन ठीक है रोटेशन की जगह मैंने पुट कर दिया टू पाई रेडियन और मिनट की जगह क्या पुट कर दिया सिक्सटी तो ये आपका हो गया टेन टाइम्स और टू से कैंसिल करेंगे फाइव टाइम्स यानी हो गया पाई बाई फाइव और ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी इसकी रेडियन पर सेकेंड ठीक तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसकी वीजल टू आर ओमेगा आर है टेन रिज पावर माइनस टू और ओमेगा कितना है ओमेगा है पाई बाई फाइव तो ये आ जाएगा आपका मीटर्स पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी आ गई ठीक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं हाफ एम कितना m grams है एम टू ग्राम्स है ग्राम्स को के जी में पुट करेंगे तो टू इंटू टेन रेज पावर माइनस थ्री ये हो गया के जी इंटू विलासिटी कितनी है तो वेलोसिटी आई है आपकी टेन रेज पावर माइनस टू इंटू पाई बाई फाइव ये मीटर पर सेकेंड है और विलासिटी का हमें क्या पुट करना है स्क्वायर वी स्क्वायर ठीक बस अब इसको सॉल्व कर लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो टेन रेज पावर माइनस थ्री ये है जरा स्क्वायर करते हैं तो टेन रिस्पावर माइनस टू का स्क्वायर होगा टेन रिस्पावर माइनस फोर पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव ठीक है पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू टेन होती है ये आपको ध्यान रखना पाई स्क्वायर जो होता है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है टेन तो जहाँ कहीं भी पाई स्क्वायर आ जाए आप उसको क्या पुट कर सकते हो टेन ठीक जरा इसको सॉल्व करते हैं तो पाई स्क्वायर हो गया टेन टेन अपॉन ट्वेंटी फाइव

क्लियर अच्छा अगर आप इसी क्वेश्चन को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से करना चाहो जैसे कि रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है कोई सिस्टम अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ठीक अगर इससे करना चाहो तो इससे भी हो जाएगा आई फाइंड करते हैं हम इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं तो सिस्टम को जरा देखो सिस्टम क्या है दो पार्टिकल्स हैं ठीक वन ग्राम वाला पार्टिकल एक्सिस पे ही रखा है टू ग्राम वाला पार्टिकल वन सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से ये जो डिस्टेंस दी है ये आर है आर कितनी दी है वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर का मतलब टेन रिस्टो तो माइनस टू मीटर ठीक तो इसका मोमेंट ऑफ एनर्शिया आई फाइंड करते हैं तो जब डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम होता है मतलब कई सारे पार्टिकल्स अलग अलग पोजिशन पर होते हैं ठीक है कंटिन्यूस मास सिस्टम नहीं है एक डिस्क्रीट सिस्टम है कई सारे पार्टिकल अलग अलग पोजिशन पर हैं तो उस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया होता है वो सिंपली होता है एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर डॉट 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 इसी तरह से एम वन क्या होता है मास ऑफ द पार्टिकल होता है और आर वन क्या होता है आर वन उस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फिर से समझो आर वन क्या होता, R1 होता है आर वन होता है उस पार्टिकल पार्टिकल एम वन का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक अब एम वन पार्टिकल मान लिया वन ग्राम वाला है वन ग्राम का मतलब टेनरेस्ट टू ऑ माइनस थ्री के जी उसका आर वन कितना होगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है तो वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई कर रहा है इसी एक्सिस पर लाई कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी जीरो तो जीरो का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा जीरो प्लस एम टू कितना है एम टू है टू ग्राम्स तो टू तो ग्राम्स को क्या लिख सकते हैं टू इंटू टेन रिस्पावर माइनस थ्री के जी इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो वो ये आर के बराबर है और ये ये कितनी है ये आर ये है टेन रिस्पावर माइनस टू मीटर तो उसका स्क्वायर करेंगे तो टेन रिस्क माइनस फोर हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया टू इंटू रेस्ट वो माइनस सेवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है तो वो होती है के जी इंटू मीटर स्क्वायर अब देखो ना मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मास किस में आएगा के जी में और डिस्टेंस किस में आएगी मीटर्स में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होगी के जी इंटू मीटर स्क्वायर क्लियर आई की वैल्यू निकाल ली ओमेगा हम फाइंड कर चुके हैं ऐसे यूनिट्स में ये आया था ओमेगा ओमेगा कितना आया था पाई बाई फाइव रेडियन पर सेकेंड ठीक तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हो ओमेगा कितना है ओमेगा है पाई बाई फाइव रेडियन पर सेकेंड तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हाफ आई कितना है आई है टू इंटू टेन एक्सो माइनस सेवन के जी इंटू मीटर स्क्वायर और ओमेगा कितना है पाई वाई फाइव तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा पाई स्क्वायर बाई ट्वेंटी फाइव तो फिर से वही आ जाएगा टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा टेन रिस्ट माइनस सेवन ये है पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है टेन तो टेन से अगर मुझे हंड्रेड बनाना है तो इसको टेन रिस्ट पावर माइनस एट कर दूंगा मैं इसको ठीक तो हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फाइव कितने कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये फोर टाइम्स तो कितना आ गया फोर इंटू टेन रिस्ट माइनस एट जूल तो ये मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया हाफ एम बी स्क्वायर लगा के भी कर दिखा दिया है और हाफ आई उमेगा स्क्वायर लगा के भी दिखा दिया है क्लियर होपफुली बेंजामिन को समझ में आया होगा